Dear students, this is Praveen Kumar Garwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors affecting plant layout. यानी कि आज के लेक्चर में हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जिनको कंसिडर किया जाता है जब कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट लेआउट को डिज़ाइन कर रही होती है. तो किन किन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है इस समय. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज मैनेजमेंट पॉलिसीज. वेरियस मैनेजमेंट पॉलिसीज विच मे हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन प्लांट लेआउट आर एज फॉलोज. यानी कि जब प्लांट लेआउट के रिगार्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है तो उसको फाइनलाइज करने से पहले डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट पॉलिसीज को कंसीडर किया जाता है. क्योंकि बिना मैनेजमेंट की पॉलिसीज को कंसीडर किए हुए प्लांट लेआउट को डिसाइड नहीं किया जा सकता. तो कौन कौन सी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं. द वेरी फर्स्ट मैनेजमेंट पॉलिसी इज पॉलिसी रिगार्डिंग फ्यूचर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड द साइज ऑफ बिजनेस फर्म. यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है जब अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है तो प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले वो उसके फ्यूचर के बारे में भी डिसीजन को फॉलो करता है कि फ्यूचर में इसे किस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तक अपनी प्रिपरेशन रखनी है. उसके अकॉर्डिंग प्लांट लेआउट को डिजाइन किया जाता है. क्योंकि स्टार्टिंग में डिमांड क्या होती है. देयर इज वेरी लेस डिमांड इन द मार्केट जब स्टार्टिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है उसकी डिमांड क्या होती है लगातार इंक्रीज होती चली जाती है. और उस डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या करनी होगी इंक्रीज करनी होगी. तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर उस समय आपको इंक्रीज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है तो उसके लिए आपको प्लांट एक नई जगह पर सेटअप करना पड़ेगा. तो उसी पर्टिकुलर प्लांट को अगर एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज के हिसाब से प्लानिंग की जाती है तो उसको कंसीडर किया जाता है कि अगर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन के वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ा और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ा तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट लेआउट में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रिपरेशन करनी होगी इसको भी कंसीडर किया जाता है. और उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस फर्म अपने प्लांट लेआउट को प्रॉपरली डिजाइन करती है. भले ही हो सकता है कि साइज प्लांट लेआउट का यानी कि जो फैक्ट्री है वो लार्ज स्पेस में अवेलेबल हो लेकिन स्टार्टिंग में मशीनरीज को लो लेवल पर सेट किया जाता है यानी कि कम नंबर ऑफ मशीन्स को सेट किया जाता है. और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फ्री स्पेस में मशीन्स को लगातार इंक्रीज करती चली जाती है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती चली जाती है. तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कंसीडर करते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लांट लेआउट को डिजाइन करती है. दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज द मैनेजरियल एम्फेसिस अपॉन हाई क्वालिटी. इफ द मैनेजमेंट इज थिंकिंग ओवर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि अगर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहता है तो जो प्लांट लेआउट का डिज़ाइन है वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही फोकस किया जाता है. क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस वे में एक स्टैंडर्डाइज वे में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइन लेआउट को फोकस करना होगा. लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आप फंक्शनल लेआउट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट लेआउट को डिजाइन करोगे. तो ये क्वालिटी के वॉल्यूम को ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर द हाई क्वालिटी और नॉट. अगर हाई क्वालिटी पर फोकस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट लेआउट को फोकस करना होता है. थर्ड कंसिडरेशन इज पॉलिसी टू अटेन अ हाई मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस. यानी कि अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे और उन चेंजेस की वजह से इसको भी अपने प्लांट में चेंजेस को फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लांट लेआउट को डिजाइन किया जाता है. यानी कि एक मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या हाई मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को अटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट लेआउट को डिजाइन किया जाता है. अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस हाई लेवल पर होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग तो लेआउट को भी ऐसे ही या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको डिजाइन करना होता है. नेक्स्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशन इज पॉलिसी टू अचीव रैपिड डिलीवरी टू द कस्टमर. फिर एक और पॉइंट जाता है यानी कि अगर कस्टमर को आप रैपिड डिलीवरी देना चाहते हो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यानी कि उनको फास्ट डिलीवरी देना चाहते हो तो आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और अगर आप मास वॉल्यूम में प्रोडक्शन को पॉसिबल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट टाइप को
एस्टेब्लिश करना होगा, उसके अकॉर्डिंग मशीनरीज को अरेंज करना होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैनेजमेंट पॉलिसीज के कंसिडरेशन में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे प्लांट लेआउट पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर रैपिड वे में कस्टमर्स को डिलीवरी एंश्योर करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग टाइप के प्लांट लेआउट को डिजाइन करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्लांट लेआउट को प्रॉपरली फोकस करना होगा। नेक्स्ट वन इज द परचेजिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट की परचेजिंग पॉलिसी क्या है, रैपिड वे में फ्रिक्वेंट वे में वो परचेजिंग कर रही है या एक टाइम गैप के बाद वो अपनी परचेजिंग को फॉलो करती है। तो व्हाट इज द परचेजिंग पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट लेआउट के डिजाइन को डिसाइड किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट की परचेजिंग पॉलिसी पर, ठीक। एंड द लास्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशन इज पॉलिसी टू प्रोवाइड मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू इट्स एम्प्लॉइज। क्योंकि जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत टफ कर दिया गया है, और इन चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉइज को प्रोडक्शन के टाइम पर अपने एम्प्लॉय वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे उनको कम्फर्ट प्लेस अवेलेबल कराना होता है, उनके प्रॉपर प्रोडक्शन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कोई भी दिक्कत ना हो, एक कम्फर्ट जोन में रहें, वो अपने वर्क को फॉलो करते समय एक सेफ्टी पॉइंट उनका बना रहे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी होती है। तो इन फैसिलिटीज को कंसीडर करते हुए भी मैनेजमेंट को प्लांट लेआउट को डिजाइन करना होता है। तो अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के फैसिलिटीज को लेकर हाई लेवल पर कंसर्न है तो प्लांट लेआउट भी इसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई अबाउट द मैनेजमेंट पॉलिसीज जिनको कंसीडर करते हुए प्लांट लेआउट को डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड फैक्टर, दिस इज प्लांट लोकेशन। सबसे बड़ी बात है कि जो प्लांट लेआउट है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट की लोकेशन क्या है, टॉपोग्राफी, शेप, क्लाइमेट कंडीशंस एंड साइज ऑफ द साइट सेलेक्टेड विल इन्फ्लुएंस द जनरल अरेंजमेंट ऑफ लेआउट। यानी कि आपने किस टॉपोग्राफी में अपने प्लांट की लोकेशन को डिसाइड किया है, उसकी शेप क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उस प्लेस की जहां आपने अपने प्लांट को लोकेट किया है, और उस साइट का साइज कितना है, यानी कि कितना पर्टिकुलर लेंथ में उस फैक्ट्री को या उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सारे जनरल अरेंजमेंट पर प्लांट लेआउट डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट वन इज द प्लांट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। यानी कि जब आप प्लांट को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर उसके क्लाइमेट को किस तरह से फोकस कर रहे हो, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ एनवायरनमेंट क्या है, इस एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा लेआउट का डिज़ाइन किस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, और जिस इंडस्ट्री में या जिस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का लेआउट या आपके प्लांट का लेआउट क्या होगा। मान लीजिए कि आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर रहे हो, आप बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, और इस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपको लाइन लेआउट को सिलेक्ट करना होगा। या हम बात करते हैं कि आपको पेपर प्रोड्यूस करना है, A4 सीट के पेपर्स को प्रोड्यूस करना है, तो A4 सीट के पेपर के कनेक्शन में कुछ मशीन्स तो लाइन में अरेंज होती हैं, लेकिन फिर प्रोडक्ट को क्या करना होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पास होना होता है। तो यहाँ पर आपको लाइन लेआउट के साथ साथ फंक्शनल लेआउट को भी कंबाइंड वे में यूज़ करना होता है। ऐसे ही डिपेंड करेगा कि आप लिक्विड प्रोडक्ट बना रहे हो, सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप गैसियस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उस प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लांट के लेआउट को डिसाइड करोगे, उसको डिजाइन करोगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। जिन पर्टिकुलर सीक्वेंस या जिन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उन ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या है, इन व्हाट सीक्वेंस दीज पर्टिकुलर ऑपरेशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द लेआउट। ये डिजाइन ये डिसाइड करेगा कि लेआउट का डिजाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपको डिफरेंट टाइप के
प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है, और उन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की मशीनरीज को क्या करना होता है, उनको आपको अरेंज करना होता है, और इन मशीनरीज को आपको प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड करना होता है। अब जैसा आपका मशीनरीज का अरेंजमेंट होगा या जो ऑपरेशन का सिक्वेंस होगा वो मशीनरीज के अरेंजमेंट को डिफाइन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान के लेआउट को डिजाइन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दो टाइप का सिस्टम प्रोडक्शन होता है, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। कॉन्टिन्यूस का मतलब जब आपको लगातार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ब्रेक लेना ही नहीं है, लगातार आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मशीन इस तरह से अरेंज है कि प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरी मशीन में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी मशीन पास हो रहा है, और फाइनली आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो अगर आप मास प्रोडक्शन को फॉलो करना चाहते हो, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन को फॉलो करना चाहते हो, तो उस केस में आपको लाइन लेआउट को फोकस करना होता है। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट प्रोडक्शन को फॉलो करते हो, यानी कि रुक रुक कर, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रोड्यूस करना होता है, तो जब आपको एक साथ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप करना होता है, तो उस केस में आप इस प्रोडक्शन को बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इन क्वांटिटीज में वेरिएशन बहुत हाई लेवल का होता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको फंक्शनल लेआउट का यूज करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर अपने लेआउट को डिजाइन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अवेलेबल फ्लोर स्पेस एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास फ्लोर स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, और उसमें आप कितने स्पेस में मशीनरीज को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। तो जितना आपके पास फ्लोर स्पेस अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लांट लेआउट को डिजाइन करोगे। स्पेस ज़्यादा होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर वे में मशीनरीज को अरेंज करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही परफेक्ट लेआउट को डिजाइन करना होता है। नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट के मेंटेनेंस की किस लेवल पर आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके लिए भी तो आपको स्पेस का अरेंजमेंट करना होगा, उसके लिए भी तो आपको स्पेस देना होगा। जैसे कि आप इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस को भी प्रॉपरली अवेलेबल कर सको, तो जब तक उसके लिए फ्री स्पेस नहीं होगा, इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस को पॉसिबल नहीं किया सकता। और अगर इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक बॉटलनेक की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और उसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस लॉस से बचने के लिए आपको देखना होता है कि इक्विपमेंट के मेंटेनेंस की किस लेवल पर आपको रिक्वायरमेंट है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग कितना स्पेस आपको चाहिए, और उस स्पेस को ध्यान में रखते हुए आपको कितना या किस लेवल पर लेआउट को अरेंज करना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट वन इज द अचीविंग बैलेंस। बैलेंस अचीव करना है हर पॉइंट पे, प्रोडक्शन भी आपका मैक्सिमम हो, ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी मिनिमाइज हो जाए। तो इस पर्टिकुलर बैलेंस को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपने लेआउट को डिजाइन करना होता है, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर पर्पस को फुलर वे में अचीव करना चाहते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बैलेंस अचीव करना चाहते हो, और ये लेआउट के बेसिस पर आपको फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम फ्लो एंड मिनिमम मूवमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है, मूवमेंट मिनिमम होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द मिनिमम टाइम, एंड द फ्लो मस्ट बी ऑप्टिमम। तो मिनिमम मूवमेंट और ऑप्टिमम फ्लो को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेआउट को डिजाइन किया जाता है। और लास्ट वन रहता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। आप अपनी अप्रोच में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हो, क्योंकि डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपना लेआउट भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंजेस फॉलो करने के लिए आपने, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने प्लांट लेआउट का डिजाइन क्या डिसाइड किया है। डिजाइन अगर फ्लेक्सिबल है, तब तो एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट लेआउट को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आपकी अप्रोच में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्लांट लेआउट के ऊपर। ओके, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर केप्ट इन टू माइंड वाइल डिसाइडिंग द प्लांट लेआउट डिजाइन। थैंक यू।